आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मुरमुरे की बिल्कुल नई रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ही देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, मैं ले ली हूँ मुरमुरे। मुरमुरे जो हम लोगों के घर में, इसे मुरही बोला जाता है या लाई बोला जाता है, आप जो भी बोलते हैं तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर मुरमुरे ले ली हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों, मुरमुरे को पहले नापने के लिए कोई भी कटोरा या कप आपको सेट करना होगा, जिससे कि इसका जो मात्रा है समझ में हम लोगों को आएगा और हमारे जो रेसिपी है बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर एक कप ले लेती हूँ, कप से ही मुरमुरे को नाप के और लूंगी। आप कोई भी यहाँ पर कटोरा या ग्लास भी ले सकते हैं, चाहे आप बना सकते हैं तो अंदाजे से भी बना लीजिएगा। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा ही वीडियो देख जाइए, क्योंकि एकदम ये जीरो ऑयल में बना के दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा और टेस्टी तो इतना कि पूछिए मत। एक बार बनाने के बाद इसको आप बार बार बनाना चाहेंगे, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा घर में सभी कोई को। तो यहाँ पर दो कप मुरमुरे ले ली हूँ। दो कप मुरमुरे से जो ही हमारा जितना हमारा रेसिपी हमें चाहिए होगा उतना बन जाएगा। आपको ज़्यादा बनाने हैं, तरीका यही रहेगा सिर्फ, आप ज़्यादा मुरमुरे यहाँ पर ले सकते हैं। अब मुरमुरे के अंदर डालेंगे पानी, तो ये नॉर्मल पानी है और साफ सुथरा वाला पानी जो हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल वही वाला पानी यूज करिएगा आप, क्योंकि मुरमुरे जो है बहुत ज्यादा पानी सोख कर लेता है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके इसको धो लेंगे अच्छे से। दोस्तों मुरमुरे जो है बालू में भुना जाता है, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ बालू का कण रह जाए, तो इसको इस तरीके से पानी में डाल के और जरूर से एक बार साफ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, हमें सपोर्ट कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल पे दबा के सेलेक्ट कर लें, तभी आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे सारे ही वीडियो को देख पाएंगे। अब मुरमुरे को पानी में हमें छोड़ना नहीं है, बस डाल के पानी में और इसको फिर से वापस से हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर छन्नी ले ली हूँ, आप चाहें तो कोई सूती का पतला सा कपड़ा भी ले सकते हैं और इस तरीके का जो छन्ना होता है उससे सारे मुरमुरे को निकाल के और इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि मुरमुरे जो है ना दोस्तों बहुत ज्यादा पानी सोख कर लेता है और जो रेसिपी बना के आपको दिखाऊंगी उसमें हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, इस तरीके से सारे मुरमुरे को इस छन्नी के ऊपर रख ली हूँ और इसी के ऊपर थोड़ा देर के लिए इसे रख के छोड़ेंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा, देखिए दोस्तों कितना सारा पानी निकला है, और हल्का सा इसको दबा भी देंगे जिससे कि इसमें जो है एक्स्ट्रा पानी वो भी ज्यादा से ज्यादा निकल जाए। तो ये काम आपको करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे मुरमुरे रेस्ट कर रहा है तब तक चलिए अगली तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पर ले ली हूँ बड़ा वाला मिक्सर का जार और इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। तो जो हरी मिर्ची हल्का सा लाल हो चुका है ना दोस्तों, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे रेसिपी के अंदर। लाल और हरा दोनों ही मिर्ची इसमें डाल देती हूँ। मिर्ची आप अपने पसंद से डालिएगा, कितना तीखा खाना पसंद करते हैं। साथ में डालेंगे अदरक का टुकड़ा, तो अदरक को भी इस तरीके से कट करके बारीक बारीक डाल लेते हैं इस तरीके से। तो एक से डेढ़ इंच अदरक का टुकड़ा, यदि आप ज्यादा बना रहे हैं तो सारे ही सामग्री को ज्यादा करके ऐड कीजिएगा, कम बना रहे हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही डाल लेंगे 5 से 7 करी लीव्स, करी पत्ता, आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसके बिना भी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनेगा। अब इसमें अभी कुछ भी नहीं डालेंगे, पानी वगैरह, एक बार ढक्कन लगा के इसको 1 से 2 बार चला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको दरदरा सा करके पीसी हूँ, बहुत ज्यादा हमें इसका पेस्ट नहीं चाहिए था, इसके लिए बड़ा वाला जार का इस्तेमाल की हूँ, उसमें थोड़ा सा दरदरा ही पीसता है। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। अब ये है मुरमुरे, मुरमुरे को भी इसी जार में डाल देंगे। देखिए, और इसके अंदर डालेंगे 5 चम्मच की जितना दही। दही बहुत ज्यादा खट्टा है तो 5 चम्मच डाल रहे हैं, और दही का मात्रा बहुत ज्यादा भी नहीं डालना है। तो इसमें 5 चम्मच दही डाली हूँ। अब दही के साथ मुरमुरे को अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि मुरमुरे हमारा अच्छे से पिस जाए, इसका बारीक सा हमें पेस्ट बनाना है।
दही के साथ मुरमुरे को थोड़ा से चला ली हूँ, लेकिन ये जो है अच्छे से नहीं पीसा है। अब इसमें डालेंगे 5 चम्मच के जितना पानी, जितना दही था उतना ही पानी इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से पीसेंगे। यदि आपको पीसते हुए और पानी का जरूरत लगेगा तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गीला नहीं कीजिएगा। अब यहाँ पर अच्छे से मुरमुरे हमारा पीस चुका है और इसको पीसने में थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल और की थी। छोटा वाला जार में जल्दी पिसता है, बड़ा वाला जार में थोड़ा सा ये जल्दी पिसता नहीं है, थोड़ा दरदरा जैसा ही रहता है, इसके लिए इसमें ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। आप छोटे वाले जार में यदि पीस रहे हैं, पानी जितना कम डालेंगे ना दोस्तों उतना ही अच्छा आपका रेसिपी बनेगा। बाद में जरूरत होगा तो इसमें पानी हम लोग डालेंगे। सारे ही पेस्ट को निकाल लेना है जार से। और ये देखिए अच्छा चिकना है और गाढ़ा भी है। अभी इसमें बाकी की चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। आप प्याज खाते हैं तो डाल लीजिएगा, नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिना प्याज का भी ये रेसिपी बना सकते हैं आप। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। कड़ी पत्ता इसमें पहले से डला हुआ है तो दोनों का ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे नमक, स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिए। मुरमुरे में भी पहले से नमक होता है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये नमकीन वाला मुरमुरे है, आपके यहाँ बिना नमक वाला यदि है तो आप उसी हिसाब से नमक डालिए। हमारे यहाँ ये नमक वाले मिलते हैं तो थोड़ा सा नमक हम लोग कम डालेंगे। और अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल, जिससे कि थोड़ा सा और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाए, बहुत ज्यादा सूखा सूखा ना लगे। और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमारा जो है मुरमुरे का पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे एक सामग्री जो कि मेन है, इसके साथ डालना बहुत जरूरी होगा। तो यहाँ पर लेंगे दोस्तों 1/2 कप सूजी। सूजी आप बारीक वाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत ज्यादा मोटा वाला सूजी है तो आप इसको थोड़ा सा मिक्सर जार में डाल के चला लीजिएगा। और ज्यादा मोटा है, आप इसको बिना पीसे हुए बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा देर इसको फुलाइएगा। तो यहाँ पर 1/2 कप सूजी डाल देती हूँ, ये बारीक वाला सूजी है। और अच्छे से एक बार पोहे के साथ इसको मिक्स करेंगे। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सूजी सोक करेगा और जितना इसमें पानी का जरूरत होगा अभी हम लोग इसमें पानी डालेंगे। तो इसके लिए ही बोली थी पहले कि बहुत ज्यादा गीला नहीं कीजिएगा। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं जिससे कि इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और कलर भी अच्छा आ जाएगा। इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा मैगी मसाला, आप चाहें तो पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे चुटकी भर हल्दी, बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा नहीं तो हल्दी हल्दी सा स्वाद आएगा इसमें। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। और अब इसमें डाल देंगे हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हरी मिर्ची पहले से इसमें डाले हुए हैं। मसाला आप अपने पसंद से कम ज्यादा या नहीं भी डालना चाहते हैं तो बिना मसाले का भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे पहले और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया है, सूजी बहुत ज्यादा पानी सोखता है। तो अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी देखिए इसको अच्छे से घोल ली हूँ और देखिए ये कितना गाढ़ा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के लिए जरूर छोड़िए, जिससे कि सूजी फूल के सेट हो जाए। तो इसको 5 मिनट ही छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा समय तक नहीं छोड़ेंगे। अब इसे रखे हुए 5 मिनट हो चुका है, अब इसको एक बार चेक कर लेंगे कि ये ज्यादा गाढ़ा तो नहीं हो गया है। तो देखिए बहुत अच्छा है, इसमें हमें अलग से बिल्कुल भी पानी डालने का जरूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से इसको रखना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं रखेंगे। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पर चढ़ा ली हूँ अप्पे पैन और इसी में बनाएंगे आज मुरमुरे की बहुत ही ज्यादा सुपर टेस्टी नाश्ता। और इसमें मात्र 1 बूंद तेल का ही इस्तेमाल करेंगे, तो सारे खाने में थोड़ा थोड़ा सा तेल डालेंगे। दोस्तों यदि आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे तवे पर या छोटे छोटे कटोरी में भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये बनके तैयार होता है। हल्का सा गर्म होने देंगे तेल को। तेल हल्का सा गर्म हो चुका है, अब सारे में थोड़ा थोड़ा सा सफेद वाला तेल डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर काला वाला सरसों भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा उससे भी टेस्ट आएगा।
गैस के फ्लेम को लो करके रखेंगे। आप सारे खाने में इतना इतना करके बैटर को डालेंगे। इस बैटर के अंदर में डालेंगे एक चुटकी भर मीठा सोडा, इससे ये जो रेसिपी है बहुत अच्छा से फूलेगा। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये डालना मैं भूल गई थी दोस्तों, इसके लिए अभी आपको दिखा रही हूँ। अब सारे में हमें डाल देना है ये वाले घोल को। तो बहुत ज्यादा भर के नहीं डालेंगे, बहुत ज्यादा कम भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो है फूलेगा इसके वजह से। तो थोड़ा थोड़ा सा कम डालेंगे। और ये जो नाश्ता है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसको बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, बस घर में पड़े सामानों से आप बना सकते हैं। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है मैंने, तो आप भी लो ही रखिएगा। और एक बार में बहुत ज्यादा नाश्ता भी बनके हमारा तैयार हो जाता है। अब इसमें लगा देंगे ढक्कन और 2 मिनट तक ढक्कन लगा के एक तरफ से पकने देंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट का समय हो चुका है, अब इसको एक बार चेक करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से ऊपर से ये ड्राई ड्राई सा हो गया है। अब सारे में एक एक बूंद तेल फिर से डाल देंगे। तो बस 2 बूंद, एक बूंद इधर से एक बूंद उधर से आपको तेल डालने का जरूरत है। और इसको अच्छे से पलट लेंगे। देखिए बहुत अच्छा इसमें कलर आ चुका है। तो पलटने के लिए आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जैसे भी पलटे, लेकिन ध्यान से पलटिएगा कि ये टूटे ना। देखिए साइड वाला जो है ये थोड़ा सा चिपक जाता है। तो सारे को ही अच्छे से पलट लेते हैं। और इधर से भी हमें 2 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है। अब इधर से भी ढक्कन लगा के 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुका है इधर से भी पकते हुए। अब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। देखिए दोनों ही तरफ से बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। तो साड़ी को निकाल लेंगे। और ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो इसी तरीके से और भी सारे नाश्ते को आप बना सकते हैं। तो बन के तैयार है मुरमुरे के बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा टेस्टी अप्पे। ये खाने में बहुत ही ज्यादा गजब का टेस्टी लगता है। इसे आप अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं, दही के साथ भी बहुत अच्छा ये लगता है। और अब ये बहुत ज्यादा गर्म है, जैसे जैसे ठंडा होगा और भी ज्यादा ये अच्छा बन जाएगा। और बहुत स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ है। दोस्तों उम्मीद करूंगी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।